मॉर्निंग बच्चों बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का चल रहा है बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का। बच्चों ये मेरा जो है इसका जो है सातवां वीडियो है, और बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन के टॉपिक के ऊपर। ठीक है बच्चों, बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर मेरे पापा आप सभी को सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पार्ट 1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों हमको ये समझना होगा कि हमारा बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। बच्चों हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की थी मैथमेटिक्स की क्लास फर्स्ट में, तो बच्चों क्या पढ़ा था, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों एडिशन, एडिशन करना, और बच्चों ये था सब्सट्रैक्शन करना, सब्सट्रैक्शन करना। ठीक है बच्चों, ये था मल्टीप्लीकेशन, और बच्चों ये था हमारा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, ये बच्चों चार ऑपरेशन थे जो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, किसके बीच में पढ़े थे ये बच्चों, हमने पढ़ा था नंबर्स के बीच में सबसे पहले पढ़ा था। मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम इसका यूज करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, टू नंबर्स के बीच में ही यूज करते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बीच में ही यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए 27 में हम 135 से 135 से मल्टीप्लाई करें, या बच्चों चाहे हम जो है 150 डिवाइडेड बाय 25 करें, या बच्चों हम जो है 2 प्लस 2 करें, या बच्चों 3 माइनस 1 करें। बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चों हम दो जो है डिफरेंट नंबर्स के बीच में या सेम नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। दो से ज्यादा के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों सबसे पहले हमें दो के बीच में करना होता है, उसका जो रिजल्ट आता है फिर उसके बाद करते हैं। यानी कि ऑपरेशन हमारा क्या होता है बच्चों, दो नंबर्स के बीच में होता है। अब बच्चों ये ऑपरेशन चूंकि हमारा सिर्फ टू नंबर्स के बीच में ही स्टार्ट होता है या कंप्लीट होता है, इसलिए बच्चों इस ऑपरेशन को बच्चों हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन। अब बच्चों ये तो बात थी नंबर्स की, अब बच्चों हमारा क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शन। चैप्टर क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शन। बच्चों यही ऑपरेशन या इसके जैसा कोई भी ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं किसके बीच में, किसके बीच में करते हैं, सेट्स, सेट्स, सेट्स से बनने वाले रिलेशन में। ठीक है बच्चों, और उन रिलेशन के बीच में जो फंक्शन बनता है उसमें अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं दो सेट के बीच में, तो बच्चों हम उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, या समझ लीजिए बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि बच्चों सेट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन हमारा कोई भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एलसीएम हो सकता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, है मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, डिफाइन रहता है। ठीक है बच्चों, जो इस तरीके से होता है। अब देखिए किस तरीके से हम उसको देखते हैं, इस चीज को आप यहां पर देखिए। ठीक है, यहां पर देखिए आप किस तरीके से हम इसको करते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों सपोज करिए, यहां पर बच्चों सपोज करिए हमारे पास एक सेट है कुछ इस तरीके से ए। ठीक है, ये सेट है जिसमें तीन एलिमेंट मैंने इस तरीके से बनाए दिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करते हैं यहां पर, यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं बच्चों ए क्रॉस ए, ये आपको निकालना पता ही है। ठीक है, तो किस तरीके से ए क्रॉस ए निकलेगा वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। तो ये हो गया ए, और बच्चों ए क्रॉस ए, ये वो मैं बता रहा हूं जो आपके
जो है सिलेबस में जितना पढ़ना है आपको। अब बच्चों इसका जो सेट हमारा बनेगा वो देखिए ऐसे बनेगा, ए ए डॉट ए बी, भाई पहले एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं इन तीन का, ठीक है बच्चों, ए सी, फिर बच्चों इसके साथ हम पेयर बनाते हैं इन तीन का, तो बच्चों बी ए और बी बी और बच्चों बी सी इस तरीके से, और बच्चों ये होता है उसके बाद सी ए और बच्चों सी बी और बच्चों सी सी, देखिए इस तरीके से ये हमारे जो है पेयर यहां पर बनते हैं, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा हो गया जो है ए क्रॉस ए। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है सेट्स के बीच में, सपोज करिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसको स्टार से शो किया, ठीक है, सच दैट ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए, और बच्चों ये हमारे पास हो गया नोटेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और बच्चों बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी यहां पे इस तरीके से दिया होगा बच्चों। यहां पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहां पे डिफाइन होगा, किस तरीके से डिफाइन होगा, वो होगा बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन ए बी, ठीक है, ये आएगा बच्चों ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये देखिए इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है, इस बात को अभी हम समझाएंगे, ये सिर्फ नोटेशन में इस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेशन इधर से निकलेगा वो दो एलिमेंट के बीच में होगा, वो एलिमेंट बच्चों हमारा इसमें से कोई एलिमेंट होगा, और जो ऑपरेशन यहां पे लगेगा वो बच्चों इसमें होगा ही होगा, इसको कहते हैं बच्चों बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इसको बच्चों हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। फिर भी समझिए ये बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे ये हो सकता है कि अंडर रूट निकालना हो या प्लस हो या माइनस हो या कुछ और हो, वो बच्चों हम कहां से लेंगे दो एलिमेंट, ए क्रॉस ए से, जैसे ए के बीच में कर दिया, और बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन से जो रिजल्ट आएगा हमारा इन दोनों के बीच में, तो वो बच्चों जो आएगा वो बच्चों ए में बिलोंग होगा, इसलिए देखा गया कि ए क्रॉस ए टू ए, इसको बच्चों हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसको जब अभी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों किस तरीके से होता है। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैं एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, देखिए क्या हुआ, सपोज करिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सेट है 1, 2 एंड 3, ठीक है, एक तरीके से सेट है छोटा सा, और बच्चों हमारे पास क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का, ठीक है, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन हमने लगाया किसमें, ए क्रॉस ए में, चलिए इसको हम बी मान लेते हैं, बी हमने मान लिया, तो बच्चों बी क्रॉस बी के एलिमेंट किस तरीके से आएंगे, 1, 2, 1, 3 इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आएगा, ठीक है, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। और बच्चों हमने यहां पर बच्चों यहां पे इस तरीके से क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया प्लस का, ठीक है बच्चों, एक प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगाया, और बच्चों देखिए क्या आया, सच दैट 1, 2, ठीक है, प्लस का लगाया 1, 2, यानी कि 1 प्लस 2, देखिए ये हुआ, ये नोटेशन हुआ, इसमें 1, 2 के बीच में लगा दिया बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस 2 ही आ गया 3 में, तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे, या बी क्रॉस बी बिलोंग्स टू बी, देखिए ये भी हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, अभी कहानी इसमें जो है काफी, जब ये हमारा ए बदलेगा, कभी ये रियल नंबर का होगा, कभी नेचुरल नंबर का होगा, कभी कुछ और होगा, तब बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास जो है कुछ यहां पर एग्जांपल थे। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पर हम देखते हैं कि हमारे क्या प्रॉपर्टीज होती है बाइनरी ऑपरेशन की। तो बच्चों यहां पर अब आप हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बच्चों, यहां पर देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए
सेट ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ठीक है इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए ठीक है बच्चों ये देखिए इस तरीके से किए हैं पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार्स इज ऑन सेट ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए मतलब क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन हमको दिया गया है प्लस माइनस गुणा भाग अंडर रूट एलसीएम अगर वो इस रूल को फॉलो करता है तो वो ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाएगा ठीक है बच्चों अब देखिए बच्चों ये क्या होता है दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो हमारा कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ठीक है एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इस तरीके से ये हमारा आएगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों जैसे हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा है कि ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वो रूल अगर हमारा फॉलो करता है ठीक है ए के एलिमेंट्स तो बच्चों उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ठीक है बच्चों अब देखिए बच्चों हमारा जो है एक और आता है इसके बाद और उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन ठीक है यहां पर देखिए क्या होता है ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए ठीक है इफ देखिए क्या है बाइनरी ऑपरेशंस ये है स्टार ये क्या है ए ठीक है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ठीक है अगर हमारे पास कोई बच्चों यहां पर एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके साथ हम जो है एक जो है ऑपरेशन करें बाइनरी ऑपरेशन करें तो वापस हमको ए मिल जाता है तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया एग्जांपल दे दूं मैं आपको सपोज करिए हमारे पास है 2 × 1 और बच्चों आया 2 ठीक है तो बच्चों 1 क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा 1 जो है इस वाले सेट के लिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया ठीक है बच्चों और बच्चों यहां पर चौथी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी कहलाती है इनवर्स एलिमेंट और इनवर्टिबल एलिमेंट ये बच्चों हमारा जो है कहलाता है इन ए सेट ए इफ क्या हुआ ए स्टार बी इज इक्वल टू ई ठीक है यहां पर इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं दो एलिमेंट में किसी सेट के ए के तो बच्चों अगर हमको उससे एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो बच्चों ऐसे जो है एलिमेंट को हम इनवर्स एलिमेंट या इनवर्टेबल एलिमेंट कहते हैं जैसे सपोज करिए हमारे पास है 4 और इधर हमने कर दिया 1/4 तो इससे हमको 1 मिलेगा तो बच्चों 1/4 जो है वो बच्चों हमारा क्या होगा वो इनवर्टेबल एलिमेंट होगा किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये बच्चों बहुत ही सिंपल जो है एक्सरसाइज है सिंपल कॉन्सेप्ट है और अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं 9th, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो चल रहा है, ठीक है। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। बच्चों हमको यहाँ पर कुछ जो है दिया हुआ है, ठीक है। और बच्चों हमको ये बताना है कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट पे या नहीं, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहली बात होती है कि हमको सेट को पहचानना आना चाहिए। जैसे आपको जो अभी डिफाइन किया गया वो ये कहा गया कि ए क्रॉस ए टू ए, ये नोटेशन था बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो बच्चों ए में ही आना चाहिए, ये यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले में क्या है, ऑन जेड प्लस, देखिए सेट हमारा क्या है जेड प्लस। जेड प्लस क्या होता है बच्चों, हमारा क्या होता है पॉजिटिव, या आप समझ लीजिए सेट ऑफ लिखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है। मतलब इसमें एक तो इंटीजर आएगा और बच्चों पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। उस पे ये ऑपरेशन लगता है या नहीं ये देखते हैं। तो ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए, मतलब यहां पे जो हम ए और बी लिखेंगे वो बच्चों पॉजिटिव आना चाहिए और ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू लेते हैं 2 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 10। और बच्चों हमने यहाँ पे a माइनस बी वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो बच्चों क्या हुआ, ये आ गया 2 माइनस 10। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, -8। अब बच्चों इसका रिजल्ट आया नेगेटिव, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो बच्चों इस सेट में जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन का हमारा जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से ये वायलेट करता है। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, लिख लीजिए दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं, ठीक है सेकंड पार्ट करते हैं। और आपको सेट का जरूर ध्यान रखना है। तो बच्चों देखिए यहां पर भी देखिए क्या है, जेड प्लस लिखा है, यानी कि जेड प्लस क्या हुआ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गया। अब बच्चों बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, वो है ए स्टार बी इजकल टू ए बी, ठीक है बच्चों। अब हमने दो नंबर ले लिए, सपोज करिए ए इजकल टू 3 लिया और बी इजकल टू 4 लिया। देखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ऑपरेशन क्या है ए बी, यानी कि ए इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 4, तो बच्चों आ गया 12। तो बच्चों देखिए हमारे एलिमेंट भी पॉजिटिव है और बच्चों रिजल्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा इस सेट में आ रहा है। तो बच्चों सेकंड वाला क्या है, वो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहा है, बच्चों क्लियर हो गया। तो बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और ये वाला ये है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों थर्ड देखते हैं, थर्ड में बच्चों क्या है, ये लिखा है आर, आर क्या हुआ, आर हो गया बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आर क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर बच्चों क्या होते हैं, आपको रियल नंबर का सेट पता होना चाहिए। बच्चों इसमें सारे यूनिवर्स में जितने भी नंबर और जितने टाइप के नंबर होते हैं वो बच्चों रियल नंबर में होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे डिसमिल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। ये बच्चों हमारा कहां से जाता है, -∞ से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, जीरो को कंसीडर करते हुए। क्या होता है, -∞ से जीरो होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें हमारा इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं रहता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा सेट है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया यहाँ पे वो किया गया है ए बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए को हमने ले लिया 7 और बी को ले लिया बच्चों 1/14, देखिए ऐसे हमने ले लिया, ठीक है 1/14 ना ले,
वन बाई सेवन ले लेते हैं, चलो सेवन और वन बाई सेवन ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा क्या हुआ, ए बी स्क्वायर, तो ए हो गया सेवन और बी स्क्वायर हो गया वन बाई सेवन इंटू वन बाई सेवन, तो ए सेवन सेवन कट गया तो आ गया वन बाई सेवन। तो बच्चों ए बी स्क्वायर आया वन बाई सेवन। अब बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये भी रियल नंबर के सेट में आता है क्योंकि फ्रैक्शन आया है, तो फ्रैक्शन हमारा रियल नंबर के सेट में आता है। तो बच्चों ये भी हमारा रियल नंबर में है। तो बच्चों ओवरऑल क्या हुआ कि रियल नंबर हमने ऑपरेट किया और हमको रियल नंबर मिला। तो बच्चों यस इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है बच्चों। अब चलिए यहां पर करते हैं अगला फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में देखिए क्या है, फोर्थ वाले में क्या है, यहां पर देखिए फिर हमारा जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेट। सेट क्या होता है, जेड प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसी को सबसे पहले देखना पड़ता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया क्या हुआ। अब हमारा ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है ए ए स्टार बी इजकल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये है। अब बच्चों ए को हमने ले लिया, सपोज करिए जो ले लिया थ्री, और बच्चों बी को ले लिया जो है ट्वेंटी थ्री, सपोज करिए ऐसे ले लिया, ठीक है। आप ऑपरेशन किया तो 3 माइनस 23 ये आया और बच्चों लगा दिया मॉड इस पे, क्योंकि यहां पर मॉड हमको दे रखा ऑपरेशन में। तो बच्चों क्या हुआ, मॉड के अंदर आया माइनस 20 और बच्चों ये आ गया 20। अब मॉड के लगे होने की वजह से यहां पॉजिटिव रिजल्ट हमारा हमेशा आएगा, और बच्चों ए और बी भी हमने पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव नंबर हमारे जेड प्लस में आ रहा है और बच्चों हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन का शो कर रहा है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले में सेट फिर है हमारा जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, और बच्चों डिफाइन क्या है कि ए स्टार बी इजकल टू ए है, ठीक है बच्चों। ए स्टार बी इजकल टू बच्चों ए है, ए और बी बच्चों हमारा कुछ है, और यहां पर बच्चों ये एग्जैक्टली स्टार क्या है ये हमको पता नहीं कि ये क्या चीज है, ठीक है। ए स्टार बी, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ए की हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ए हमने क्या किया कोई भी नंबर ले लेते हैं, और बच्चों यहां पर क्या हुआ कि हमारा जो है अगर मान लीजिए बी हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो बच्चों क्या हुआ ये हमारा वन हमने लिया यहां पर, और सपोज करिए ए इंटू वन बच्चों ए आ रहा है। तो बच्चों ये देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये कोई भी नंबर ले लो इंटीजर है। तो बच्चों हमारा एक यहाँ पे ऐसा केस बन रहा है जिसपे बच्चों हमारा जो है सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ये भी इस सेट में आएगा, ये भी इस सेट में आएगा, ये भी इस सेट में आएगा। तो बच्चों यस ये भी हमारा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसका भी आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या दिया गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या कहा गया, देखिए फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। बच्चों हमको यहाँ पर सिक्स केसेस दिए गए हैं और बच्चों उसमें कंडीशन डाली गई बाइनरी ऑपरेशन की स्टार के थ्रू, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट में। तो हमको ये बताना है कि ये स्टार बच्चों बाइनरी है, अगर बाइनरी है तो क्या ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं, ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, सेट दिया गया है जेड, और जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो बच्चों हमारा होता है जेड। अब इंटीजर्स में बच्चों हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बच्चों जेड प्लस लिखा था पॉजिटिव इंटीजर स्पेशली बताया गया था, यहां जेड है, यहां पे सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर आते हैं। अब बच्चों ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑपरेशन है ए स्टार बी इजक्वल टू ए माइनस बी। अब सपोज करिए हमने ए इजक्वल टू टू ले लिया और बी इजक्वल टू ट्वेल्व ले लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया बच्चों हमने। तो बच्चों ये आ गया हमारा ए माइनस बी के हिसाब से टू माइनस ट्वेल्व, तो बच्चों ये आ गया माइनस टेन, और बच्चों जो माइनस टेन आया तो बच्चों ये भी हमारा इंटीजर है यानी इसी सेट में आ रहा है। तो बच्चों ये भी इसी सेट में है, इसका रिजल्ट भी इसी में है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये एक बाइनरी है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कम्यूटेटिव को। तो कम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी इजक्वल टू बी स्टार ए, इस तरीके से होगा। तो ए माइनस बी निकालते हैं पहले, बच्चों हम क्या करते हैं अगर ये आता है या नहीं देखते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले ए स्टार बी लेते हैं, नंबर ए ले लेते हैं। तो ए लिया हमने ट्वेल्व, ए स्टार बी क्या होगा, ए स्टार बी होगा बच्चों ए माइनस बी, ए है हमारा टू, बी है ट्वेल्व, तो बच्चों ये आ गया माइनस टेन, ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारा बी स्टार ए, अब देखिए क्या होता है बी माइनस ए,
बी हमारा क्या है 12, ए क्या है 2, तो बच्चों ये आ गया 10। अब बच्चों यहाँ देखिए ए स्टार बी आ रहा है 10 और ये आ रहा है बच्चों हमारा -10। तो बच्चों यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो बच्चों ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव है कि नहीं, चलिए भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम क्या लेते हैं एसोसिएटिव के लिए बच्चों, तीन यहां पर बच्चों लेते हैं नंबर, ए इजकल टू हमने ले लिया बच्चों 2, बी इजकल टू ले लिया 12 और सी इजकल टू ले लिया 5, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, ऐसे होना चाहिए। तो बच्चों पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आया ए स्टार बी स्टार सी आया, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम बी स्टार सी सॉल्व करेंगे, तो देखिए बी स्टार सी हो जाएगा हमारा बी माइनस सी, बी है 12, ठीक है, सी है -5, तो यह आ गया 7। अब बच्चों ये हमारा क्या होगा ए स्टार बच्चों क्या हो गया बी स्टार सी, ऐसे हमने लिखा, तो ए की वैल्यू है 2 स्टार बच्चों बी स्टार सी की वैल्यू आई हमारे पास 7, तो बच्चों ये आ गया हमारा 2 -7 और इसकी वैल्यू आ गई बच्चों -5, तो कुल मिलाकर ये आया ए स्टार बी स्टार सी इजक्वल टू -5। देखिए इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये पार्ट हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए स्टार बी और स्टार सी, ऐसे लिखा बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी, तो बच्चों ये हुआ ए माइनस बी, ए की वैल्यू है बच्चों 2, हमने 2 लिया, बी की वैल्यू है 12, तो बच्चों ये हो गया -10, ठीक है, ये हमारे पास ये ऑपरेशन इस तरीके से आया। अब बच्चों देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए स्टार बी और स्टार सी, तो बच्चों ये हमारा क्या आया है, यह आया है -10 और बच्चों स्टार बच्चों यहाँ पे हमने ऐसे लिखा और ये बच्चों आएगा हमारा सी क्या है 5, सी है 5, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया -10 और -5, तो बच्चों आ गया -15, तो बच्चों ये देखिए आ रहा था -5 और ये आ रहा है बच्चों -15, तो बच्चों क्या हुआ ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी, ठीक है, स्टार सी इस तरीके से आया। तो बच्चों ये हमारा जो पहला वाला है ये बाइनरी तो है लेकिन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है, तो बच्चों इस तरीके से इसका पहला पार्ट बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हमको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे चेक करने पड़ेंगे, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है क्यू, ठीक है, सेट है हमारा क्यू, क्यू क्या होता है बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये देखिए इस तरीके से हो गया, और डिफाइन कैसे किया गया है, ये किया गया है ए स्टार बी इजकल टू ए बी प्लस 1, ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम इसको चलिए करते हैं, तो बच्चों हमने क्या किया यहां पर बच्चों हमने जो है दो नंबर ले लिए, ए इजकल टू 2 और बी इजकल टू 7, ऐसे ले लिया। अब बच्चों हम इसको जो है देखते हैं, तो बच्चों ए स्टार बी इजकल टू क्या होगा ए बी प्लस 1, तो ए की वैल्यू है 2 और इसकी है 7, तो प्लस 1, तो बच्चों ये आ गया 14 प्लस 1, ये आ गया 15, तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये बच्चों देखिए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो बच्चों ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टार जो है ये एक बाइनरी है, इसको नोट कर लीजिए, ये एक बाइनरी है, ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब बच्चों जो है हम जो है करते हैं दूसरा, और बच्चों देखते हैं ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो बच्चों ये देखिए इसी के साथ ये आया है 15, ये हमने निकाल लिया है। अब बच्चों इसको हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसके हिसाब से हो जाएगा बी ए प्लस 1, तो बी की वैल्यू है 7, ए है 2 प्लस 1, तो बच्चों आ गया 14 प्लस 1 और ये आ गया 15, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या, ये भी 15, ये भी 15, तो बच्चों ये हमारा सही है, तो बच्चों ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव है, तो बच्चों यहां लिख लीजिए स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ यहां पर बच्चों हम करते हैं चेक करते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है,
ठीक है। तो एसोसिएटिव के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ता है कि एक तीसरा एलिमेंट और लेना होगा और उसको बच्चों हम ले लेते हैं थ्री, ठीक है। हमने ले लिया थ्री, थ्री में क्या हुआ बच्चों, अब हमको देखिए क्या करना होगा एसोसिएटिव के लिए, ए स्टार बी ऐसे स्टार सी, ठीक है। ये बच्चों किसके बराबर आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहां पे आ गया, अब बच्चों चलिए ए स्टार बी निकालते हैं, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी वो होगा बच्चों ए बी प्लस वन, तो ए है हमारा टू, बी है सेवन प्लस वन, तो ये बच्चों आ गया हमारा कुल मिलाकर के 15। तो बच्चों ए स्टार बी हमारा आ गया 15, ठीक है। अब बच्चों चलिए इसको निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी हम निकालते हैं, तो ये बच्चों है 15 स्टार बच्चों सी हमारा क्या है 3 है, तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा 15 इंटू थ्री, ठीक है, 15 इंटू थ्री प्लस वन ये आया, तो बच्चों हो गया 45 प्लस वन ये आ गया 46। तो बच्चों कुल मिलाकर के ए स्टार बी और स्टार सी आया 46, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, तो बच्चों क्या निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी, ये देखिए क्या हुआ, पहले हम निकालेंगे बी स्टार सी, तो बी स्टार सी में क्या आएगा हमारा, बी क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या होगा बी स्टार सी क्या होगा, बी सी प्लस वन ये होगा, तो बी की वैल्यू है बच्चों सेवन और सी है थ्री, तो आ गया वन, तो बच्चों आ गया ये 22, तो आया बी स्टार सी हमारा 22 आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ए की जगह बच्चों हमारा क्या आएगा, ए आ रहा है हमारा 2, तो हमने लिख लिया 2, और ये इस तरीके से आया 22, ऐसे आ गया। अब बच्चों ये क्या होगा, ये आएगा बच्चों हमारा 2 इंटू 22 और प्लस 1, तो ये बच्चों आया 44 प्लस 1, तो ये बच्चों आ गया हमारा 45। अब बच्चों ये आ रहा था 46, ये आ रहा था 45, तो बच्चों यहां पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से है, तो बच्चों ये हमारा एसोसिएटिव एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है, ये बात आ गई। तो बच्चों ये हमारा बाइनरी है, कम्यूटेटिव है, बट एसोसिएटिव नहीं है। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, तो देखते हैं थर्ड पार्ट में हमसे हमको क्या ऑपरेशन दिया गया है। ठीक, थर्ड पार्ट में हमारा ऑन क्यू, क्यू देखिए यहां पर रेशनल है, क्यू है बच्चों यहां पर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ये हमको दे रखा है ये, और बच्चों हमारा जो ये डिफाइन है वो बच्चों इस तरीके से डिफाइन है ए बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब देखिए क्या हुआ, हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो देखिए क्या, a इजक्वल टू हमने सपोज कर लिया कि हमने लिया a इजक्वल टू 3 और b इजक्वल टू ले लिया 7, ठीक है, देखिए इस तरीके से ले लिया। तो बच्चों ऑपरेशन जब हम करेंगे यहां पर, तो बच्चों ये जगह a b बाई टू, यानी कि बच्चों 3 इंटू 7 बाई टू, और बच्चों ये आ गया हमारा 21/2। अब बच्चों 21/2 हमारा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो बच्चों हमारे यहां से साफ साफ दिख रहा है स्टार इज बाइनरी, ये हमारा बाइनरी है, ठीक है बच्चों, ये बात पता हो गई। अब बच्चों हम देखते हैं कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए, ऐसे आना चाहिए। तो बच्चों ये ए स्टार बी हम निकाल चुके हैं, ये आ गया। अब बच्चों बी स्टार ए देखिए क्या होगा, ये होगा बी ए बाई टू, बी का मतलब हो गया 7/3/2, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया 21/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बी यहां पर क्या हुआ, ए स्टार बी इजक्वल टू बी स्टार ए सेटिस्फाई हो रहा है, तो बच्चों ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। तो बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये हमारा कम्यूटेटिव है, ठीक है, नोट करिए इसको। और बच्चों इसको देख लीजिए, ये हमारा सेकंड कंडीशन आ गई, इज कम्यूटेटिव, ये बात आ गई हमारी। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, ये देखते हैं। तो बच्चों एसोसिएटिव के लिए एक नंबर हमको और लेना पड़ेगा, और उसको हमने यहां पे ले लिया, सपोज करिए यहां पे हमने इस तरीके से ले लिया कि 2 ले लेते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ए ये बच्चों बराबर ये हमारा अगर आ गया, तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा
एसोसिएटिव। तो बच्चों देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए दिस 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 दिस, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और ये हो जाएगा बच्चों बी सी बाई टू। तो बी की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 7। तो बी स्टार सी इक्वल टू 7। अब बच्चों हमको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे निकालना है। तो बच्चों ए की वैल्यू हमारी है 3 और ये आया है 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 21/2 ऐसे आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये है बच्चों ए स्टार बी और स्टार सी, देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो ये हमारा बच्चों 21/2 आ चुका है ऑलरेडी। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ ए स्टार बी 21/2। तो बच्चों 21/2 का जो हम ऑपरेशन करेंगे वो 2 से करेंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। अब बच्चों इसके हिसाब से ये हमारा आ जाएगा 21/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल आया 21/2, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू भी 21/2 आ रही है, इसकी वैल्यू भी आ रही 21/2। तो यहां पर बच्चों साफ साफ दिख रहा है हमको कि ये हमारा किसके बराबर है, ये बच्चों हमारा इसके बराबर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एसोसिएटिव हुआ, ठीक है। तो स्टार इज एसोसिएटिव, ये हमारे पास हुआ इस तरीके से, देख लीजिए आराम से। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है ये वाला थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका जो है, अब बच्चों हम इसका करते हैं कौन सा पार्ट, इसका पार्ट हम करते हैं अब फोर्थ वाला, ठीक। तो बच्चों फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है जेड प्लस, ठीक है, आ गया। यानी क्या हुआ बच्चों, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बच्चों हमें क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं क्लियर है तो फिर हमें क्वेश्चन अजीब सा लगेगा, ठीक है। अब ऑपरेशन हमारा क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 2 इंटू ए बी, ये देखिए इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब चलिए इसको ऑपरेट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ए इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पावर में है, फिर हो जाएगा दिक्कत। तो बच्चों हमने दोनों के बीच में लगाया सबसे पहले ऑपरेशन, तो हो गया 2 की पावर 1 इंटू 2, ए इतना है ये लगा दिया, तो बच्चों आ गया 2 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इंटीजर होगी, तो ये आ गया। तो बच्चों यहां से साफ साफ पता लग गया कि स्टार जो है ए बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात हो गया। अब बच्चों चलिए इसको कम्यूटेटिव देखते हैं। तो कम्यूटेटिव में क्या होना चाहिए कि बच्चों हमारा होना चाहिए कि ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए, ऐसे होना चाहिए। तो ए स्टार बी ये हमारा निकला हुआ, बी स्टार ए देख लेते हैं। तो बी स्टार ए क्या हुआ, ये बच्चों 2 की पावर b हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 इंटू b की वैल्यू 2 है, इंटू 1 आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2, तो ये बच्चों सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कम्यूटेटिव, ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव है। तो यहां पर जो है इस तरीके से बच्चों हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया। अब बच्चों हमें देखना है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए बच्चों देखिए ये लॉ हमारा है, ठीक है, और बराबर ये आ गया हमारा ए दिस इनटू ये और ये, ठीक है। यहां पर बच्चों हम सी बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि बी स्टार सी हमारा क्या आएगा। तो बी की वैल्यू है हमारी, बी स्टार सी होगा 2 की पावर bc, 2 हो गया, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है बच्चों 6, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया 2 की पावर 6, यहां पे देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 64, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे इसके साथ इस तरीके से। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और ऑपरेट करेंगे 64 के साथ, तो बच्चों आएगा 2 की पावर 64, देखिए आ जाएगा इस तरीके से। ऑपरेशन के हिसाब से 2 इंटू ab होगा, ठीक है, तो 2 की पावर आ जाएगा 1 इंटू 64, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 64, ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ रही है इसकी। अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं
ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, ठीक है ऐसे निकाला। तो ए स्टार बी बच्चों 2 की पावर 2 आया है, तो बच्चों ये आया हमारे पास 2 की पावर 2, और बच्चों स्टार इसका सी के साथ लगाएंगे बच्चों 3 के साथ, तो बच्चों ये हमारे आ गया 3 इस तरीके से। तो बच्चों ऑपरेशन जब करेंगे तो 2 की पावर 2 और इंटू 3 ऐसे आएगा, तो अगर 2 की पावर 4 इंटू 3, तो बच्चों आएगा 2 की पावर 12, ठीक है। तो बच्चों ये अगर ए स्टार बी स्टार सी ऐसे आ गया, ये इतना रहा, तो बच्चों क्या हुआ, ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, ये एसोसिएटिव नहीं है, ये बात यहां पर क्लियर हो गई। तो बच्चों इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब बच्चों करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवे पार्ट में देखिए क्या दे रखा है हमको, हमको सेट दे रखा है जेड प्लस। जेड प्लस क्या होता है बच्चों, हमारा होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा ऑपरेशन हमको क्या दिया हुआ है, स्टार वाला ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इजकल टू ए की पावर बी, ये है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों चलिए हम यहाँ पे 3 नंबर कंसीडर करते हैं, ए बी और सी। ए को हमने ले लिया 2, बी को ले लिया 3 और बच्चों इसको ले लिया 4 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए स्टार बी इजकल टू ए की पावर बी, और बच्चों ये देखिए 2 स्टार 3 आ गया, 2 स्टार 3, तो बच्चों ये हो गया 2 की पावर 3, तो बच्चों ये आ गया 8 हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और जो रिजल्ट आया ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बच्चों हमारा जो स्टार है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ये बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों चलिए इसको जो है देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है बच्चों ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों ए स्टार बी हमारा आया है 8, ठीक है बच्चों। अब बी स्टार ए हम निकालते हैं, तो बी स्टार ए इजकल टू क्या हुआ, बी है हमारा 3 और ये हो गया 2, तो बच्चों आ रहा है 9, तो बी स्टार ए आया 9, तो बच्चों इस तरीके से आया ये, तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये बच्चों इस तरीके से हमारा हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, अगला जो होता है, अगला जो हमारा आएगा ऑपरेशन वो आएगा एसोसिएटिव के लिए, ठीक है। तो बच्चों जो एसोसिएटिव के लिए हुआ वो हुआ दिस दिस एंड दिस, ये और ये हमको देखना होगा कि बराबर है या नहीं, ठीक है, ये और ये हमारा बराबर है या नहीं, ये हमको इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है हमारे पास, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो बच्चों यहां पर देखिए हम सबसे पहले ये ऑपरेशन करके देखेंगे कि हमारा क्या था, फिर ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा बराबर होता है या नहीं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बी स्टार सी, तो बी है हमारा 3, ठीक है, और ये है 4 इस तरीके से, देखिए आ गया 3 की पावर 4, तो बच्चों 3 की पावर 4 जो होता है वो होता है हमारा 81, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ही आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए है हमारा 2 और बच्चों ये है हमारा 81, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा 2 की पावर 81। देखिए हमारा जो इसकी वैल्यू आई है वो बच्चों ये आया है, ठीक है। अब बच्चों चलिए हम ये देखते हैं ये कितना आता है, तो बच्चों ये आया ए स्टार बी स्टार सी इस तरीके से, तो ए स्टार बी हमारा है 8, तो हमने लिख दिया 8, और सी है बच्चों हमारा यहां पर 4, ठीक है, सी है हमारा 4। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया 8 की पावर 4। अब बच्चों क्या होता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो आ गया 4, तो बच्चों जगह 2 की पावर 12। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये है ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, तो इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए ये हमारा है 2 की पावर 81 और ये हमारा है 2 की पावर 12, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये हुआ ए स्टार बी, ठीक है, स्टार सी इस तरीके से इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये हमारा इस तरीके से एसोसिएटिव नहीं है, तो ये हमारा आ गया ए बाइनरी, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों,
ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसका लास्ट सेक्शन है छठा वाला, वो देखते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, वो देखिए बहुत इजी होता है बाइनरी ऑपरेशन में, कोई खास ज्यादा हमारा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते जो समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है वो देखिए क्या है, ये है हमारा सिक्स पार्ट इसका, और इसमें जो सेट दे रखा है वो दे रखा है रियल नंबर में से सिर्फ एक नंबर जो है माइनस किया है, ये है। ठीक है, मतलब सेट है हमारा रियल नंबर का सेट है, लेकिन उसमें से माइनस वन को हटा दिया गया है। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है वो देखिए कुछ इस तरीके से डिफाइन है, और वो है बच्चों a अपॉन बी प्लस वन। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर माइनस वन क्यों हटाया, क्योंकि अगर b हमारा माइनस वन हो जाएगा, सुन लीजिए, तो बच्चों नीचे आ जाएगा जीरो और ये आएगा इन्फिनिटी, और रियल नंबर में बच्चों इन्फिनिटी शामिल नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाता है लेकिन वहां तक कभी पहुंच नहीं पाता, तो इन्फिनिटी उसमें नहीं होता, तो बच्चों इसलिए माइनस वन यहां से हटाया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर फिर तीन नंबर ले लेते हैं, ए बी सी, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, और थ्री सी इक्वल टू थ्री, इस तरीके से बच्चों हमने ले लिया। अब बच्चों ए और बी में हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन, और बच्चों ये हो गया वन स्टार टू, इस तरीके से तो वन अपॉन टू प्लस वन इक्वल टू वन बाई थ्री आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए ये दोनों रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में हमारे सारे फ्रैक्शन, सारे डिसमिल, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर सब आते हैं, तो बच्चों ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है, रियल नंबर है, माइनस वन इसमें है नहीं, तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो बच्चों क्या हुआ, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखते हैं कि ये हमारा जो है एसोसिएटिव नहीं कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो स्टार ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए, इस तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों ये देखिए हमारा ये आया, और बच्चों यहां पे क्या हुआ कि बी स्टार ए ये क्या आएगा, बी अपॉन ए प्लस वन। अब बच्चों बी देखिए क्या है, ये है टू और ये क्या है, ए है वन, तो इस तरीके से बच्चों टू बाई टू यानी कि वन। तो बच्चों ये हमारा इक्वल नहीं है, तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, देखिए इस तरीके से हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको और देख लेते हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर टू बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब देखते हैं ये कि हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो कम्यूटेटिव के लिए एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए बच्चों हमारा ये होता है, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा इसके बराबर होना चाहिए। तो अब बच्चों यहां पर सबसे पहले ये लेते हैं, तो आया ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, बी स्टार सी इक्वल टू बी है टू, ये हो गया बच्चों हमारे पास सी। ऑपरेशन क्या है, ए ए की जगह है टू, टू के नीचे ये आया बच्चों टू प्लस थ्री, तो ये आ गया बच्चों टू बाई फाइव। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको देखते हैं, हम लिखते ए स्टार बी स्टार सी, और ए की वैल्यू है वन और स्टार बच्चों टू बाई फाइव, तो बच्चों ये हमारा आ गया, ए की जगह हमने लिखा वन डिवाइडेड बाई टू बाई फाइव प्लस वन, बराबर ही आया हमारे पास, ठीक है, वन अपॉन सेवन बटे फाइव बराबर फाइव बाई सेवन, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से ये आया। अब बच्चों यहां से देखिए ये क्या है, इसको देखेंगे, ए स्टार बी और स्टार सी, इस तरीके से ए स्टार बी आया है वन बाई थ्री, हमने इसको वन बाई थ्री लिख लिया, और बच्चों सी है हमारा जो है थ्री, देखिए इस तरीके से ये, ठीक है। अब बच्चों इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये आएगा हमारा वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री प्लस थ्री, तो ये हो गया बच्चों वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, तो बच्चों थ्री से थ्री कट गया, ये आया वन बाई टेन। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये आ रहा है फाइव बाई सेवन, ये आ रहा है बच्चों वन बाई टेन, तो बच्चों यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, तो ऑपरेशन दिस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर टू के हमारे जो है
ऑल सिक्स पार्ट बच्चों कंप्लीट हुए, काफी इजी था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन इजी था। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे एक जो है बात कहना चाहता हूं कि बच्चों इंटर में आ करके यहां से बच्चों या तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो या ग्रेजुएशन में जाते हो, तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है समस्या होती है सब्जेक्ट फिजिक्स। तो बच्चों इस चैनल पे आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, और आप यदि फिजिक्स की अच्छी नॉलेज जो है गेन करना चाहते हो, अपने प्रॉब्लम्स को डाउट को कंप्लीट करना चाहते हो, तो प्लीज आप यहां पर जो है जो फिजिक्स का कंटेंट अवेलेबल है उसकी भी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जो भी टॉपिक फिजिक्स का देखना हो वो डालिए और साथ में मेरा नाम डालिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको जो है देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। चलिए अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है यहां पर, ये देखिए लिखा है कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन दिस, ठीक है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए दिस बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर, बच्चों हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो देखिए कुछ इस तरीके से डिफाइन है, मिनिमम ऑफ ए बी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहां पे, यहां पर बच्चों हमने इस तरीके से एक टेबल बनाया। ठीक है, देखिए टेबल बनाया आपको हम बता रहे हैं, टेबल में बच्चों हमने कुछ इस तरीके से रो बनाए और बच्चों यहां पर हमने कुछ कॉलम बनाए। ठीक, ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब बच्चों इसमें हम करने क्या जा रहे हैं देखिए, तो बच्चों ये हमारा हो गया ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो हमको दिया हुआ है, ये बच्चों हो गया वन, इसका वाला सेट हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया वन। ठीक है, ये हो गया बच्चों टू, ये बच्चों हो गया हमारा थ्री। ठीक है, ये बच्चों हो गया फोर, ठीक, और ये बच्चों हो गया हमारा फाइव। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया टेबल। अब बच्चों हम जो है इसके बाद जो है यहां पे क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हम जो है इसी तरीके से इधर भी जो है फाइव जो है रो बनाएंगे, वन टू थ्री, ठीक है, फोर और बच्चों फाइव, इस तरीके से हमारे फाइव रो बन गए। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये बन गया। अब बच्चों क्या हुआ यहां पर, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर आप एक चीज नोट करिए कि हमको निकालना है ए और बी के बीच में ऑपरेशन जो कि है मिनिमम ऑफ ए और बी। अब देखिए इसके हिसाब से क्या होगा कि वन और वन जब ए बी होगा तो बच्चों इनका मिनिमम आएगा, तो बच्चों इनके बीच में देखिए आता है वन, इसका आंसर यही आएगा। अब बच्चों वन और टू, ये वाला वन और ये टू लेंगे तो इनके बीच में हमारा मिनिमम है वन, तो ये आ जाएगा। अब बच्चों वन ऑपरेशन दिस, तो बच्चों देखिए वन और इसमें मिनिमम है, वन और थ्री में मिनिमम है हमारा वन, तो ये आ गया। वन और फोर में मिनिमम है वन, तो फिर आया, और वन और फाइव में मिनिमम है वन, तो ये आ गया। इस तरीके से बच्चों हमको लिखना है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, टू और वन में हमारा मिनिमम वन है, टू और टू में कोई मिनिमम नहीं है लेकिन इसमें यहाँ टू आएगा, टू और थ्री में बच्चों मिनिमम टू है, टू और फोर में मिनिमम टू है, टू और फाइव में मिनिमम टू है। देखिए इस तरीके से थ्री और वन में मिनिमम हमारा क्या है, वो है वन, थ्री और टू में टू है, थ्री और थ्री में बच्चों इक्वल है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। थ्री और फोर में बच्चों थ्री है, थ्री और फाइव में बच्चों मिनिमम थ्री है, बच्चों फोर और वन में मिनिमम वन है, फोर और टू में मिनिमम टू है, फोर और थ्री में मिनिमम थ्री है, फोर और फोर में बच्चों फोर है, और फोर और फाइव में हमारे पास है फोर। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, और बच्चों अब देखिए यहां पर फाइव है, ठीक है, तो बच्चों फाइव और वन में मिनिमम वन है, फाइव और टू में मिनिमम टू है, फाइव और थ्री में मिनिमम थ्री है, फाइव और फोर में मिनिमम फोर है, और बच्चों फाइव और फाइव में मिनिमम फाइव है। तो बच्चों वही टेबल बन गई जो यहां पर लिखा गया है, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया, और यही टेबल इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो बच्चों इसी टेबल पे बेस है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, और बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों टेबल पे बेस है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया था
बाइनरी ऑपरेशन हमको दिया था उसका हमने टेबल बना था। यहाँ टेबल बना है और बच्चों इस टेबल को देख करके बाइनरी ऑपरेशन का ये टेबल है बच्चों, उससे हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। ठीक है, अब बच्चों उसके बेस पे बच्चों हमको एक कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है, 2 * 3 * 4 एंड 2 * 3 * 3 * 4 ये करना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 2 * 3 और बच्चों उसके बाद * 4। तो बच्चों 2 * 3 क्या होगा, 2 ये 3 ये, इसके बीच का स्टार आया 1, तो बच्चों ये हो गया 1 और स्टार इसके साथ आया 4। अब बच्चों 1 और 4 का स्टार आया 1, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों यहां पे है 2 * 3 * 4, देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों यहां पे क्या हुआ, 2 ये और 3 * 4 क्या है, 3 * 4 बच्चों ये आ रहा 1, देखिए 3 इधर से लेंगे 4 इधर से लेंगे तो बच्चों आ गया 1, तो हमने यहां लिख दिया 1। अब बच्चों आया 2 * 1, तो बच्चों 2 ये है * ये है 1 ये है, तो बच्चों ये देखिए हमारा इस तरीके से ये आ गया 1। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है, तो बच्चों ये वाला हमारा क्या हुआ, एसोसिएटिव हुआ। ठीक है बच्चों, ये यहां से हमारा निकल के आता है। अब बच्चों इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, इज स्टार कम्यूटेटिव, मतलब ये जो स्टार ऑफ टेबल हमको दी हुई है ये कम्यूटेटिव है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, कम्यूटेटिव में हमको क्या करना होता है, a * b = b * a अगर है तो कम्यूटेटिव है। अब बच्चों यहां पर पहले ले लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपकी, चलिए ले लेते हैं 4 * 3 लेते हैं। ठीक है, 4 * 3 देखिए हमारा क्या रहा है, 4 * 3 ये आया 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब बच्चों देखिए 3 * 4 लेते हैं, तो 3 * 4 ये देखिए 1 आ रहा है, तो बच्चों ये भी आ गया 1। तो बच्चों देखो एक दूसरे के बराबर है तो ये कम्यूटेटिव है। आपको चेक करना हो आप किसी दूसरे से चेक कर लीजिए, ले लेते हैं 5 * 3 ठीक है, और 5 * 3 लेते हैं, 5 और 3 देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये 1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 3 * 5 कितना है, वो भी 1 है, 3 * 5 वो भी 1 है, 3 * 5 तो ये भी 1 है, तो बच्चों इक्वल आ रहा है। तो बच्चों स्टार इज कम्यूटेटिव देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पे क्या आता है, कंप्यूट दिस एंड दिस ठीक है, कंप्यूट दिस एंड दिस। तो बच्चों देखिए क्या है, हमको कंप्यूट क्या करना है, हमको कंप्यूट करना है 2 * 3 और बच्चों फिर इसके बीच में वही बाइनरी ऑपरेशन स्टार वाला और 4 * 5 देखिए ऐसे आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 * 3 निकालेंगे, तो 2 * 3 आया है 1, तो बच्चों हम यहां लिखेंगे 1। फिर बच्चों ये बीच वाला स्टार ये वाला हमने बनाया, अब आया 4 * 5 तो 4 * 5 तो ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो आ गया 1। अब बच्चों 1 * 1 ये आया 1, तो बच्चों फाइनली आंसर 1 आ गया, तो यही इसका आंसर है। और बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लेट *- be द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई a * b SCF ऑफ a एंड b, इज द ऑपरेशन * सेम एज द ऑपरेशन * डिफाइंड इन क्वेश्चन 4 अबव। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए ये जो टेबल बनी है ये बच्चों पिछले क्वेश्चन नंबर 4 की बनी है। और बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बच्चों एक बाइनरी ऑपरेशन हमारा a * b = HCF of ठीक है a and b, ये बच्चों इस तरीके से ये रहा HCF ऑफ a एंड b, ये इस तरीके से जो है डिफाइंड है। और बच्चों किस सेट पे डिफाइंड है, वो सेट है हमारा 1 2 3 4 5 इस पे डिफाइंड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कहा जा रहा है कि इसका जो हमारा पूरा जो है टेबल बनेगा वो बिल्कुल यही होगा या कुछ और होगा, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसके हर एक एलिमेंट पे हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ, टेबल हुआ। ठीक है, इस तरीके से एक हमारा टेबल हुआ और ये देखिए ये 1 2 3
फोर फाइव, देखिए इस तरीके से हो गया और ये आया वन टू थ्री फोर और बच्चों फाइव लास्ट में हो गया। बच्चों यहां पे ऑपरेशन सा स्टार और यहां पे बच्चों है स्टार डैश, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिखा, वन टू थ्री फोर फाइव ये हमने ऐसे लिखा। अब बच्चों क्या हुआ कि यहां पर जो ऑपरेशन वन जैसे ए और बी के बीच में आएगा वो आएगा एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। अब बच्चों चलिए एच सी एफ निकालते हैं, तो वन और वन का एच सी एफ कितना होगा, वन होगा। वन और टू का एच सी एफ क्या होगा, वो बच्चों वन होगा। वन और थ्री का बच्चों एच सी एफ क्या होगा, वन होगा। वन और फोर का एच सी एफ वन होगा। वन और फाइव का एच सी एफ वन होगा, खत्म कहानी। ठीक है, अब चलिए कहते हैं टू और वन का बच्चों एच सी एफ होगा वो होगा वन। टू और टू का एच सी एफ टू होगा। टू और थ्री का एच सी एफ जो होगा वो बच्चों होगा हमारा टू। ठीक है, टू और थ्री का एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गलती हो गई, तो बच्चों ये होगा वन। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा वन है। टू और फोर का एच सी एफ ये होगा बच्चों हमारा टू। ठीक है बच्चों, और टू और फाइव का जो एच सी एफ होगा वो होगा वन। ठीक है, अब देखिए थ्री और वन का एच सी एफ वन, थ्री और टू का एच सी एफ वन, थ्री और थ्री का एच सी एफ थ्री, थ्री और फोर का एच सी एफ वन, थ्री और फाइव का एच सी एफ वन, फोर और वन का एच सी एफ वन, फोर और टू का एच सी एफ टू, फोर और थ्री का एच सी एफ वन, फोर और फोर का एच सी एफ फोर, फोर और बच्चों फाइव का एच सी एफ वन। फोर और वन का एच सी एफ जो है वो होगा वन, नहीं सॉरी, फाइव और वन का एच सी एफ वन, फाइव और टू का एच सी एफ वन, फाइव और थ्री का एच सी एफ वन, फाइव और फोर का एच सी एफ बच्चों आएगा हमारा वन, और फाइव और फाइव का एच सी एफ आएगा फाइव। ठीक है, एच सी एफ निकालना आप लोग को आता ही है। ठीक, अब बच्चों ये देखिए टेबल हुई। ठीक, अब देखिए ये टेबल बनी हमारी इस ऑपरेशन के हिसाब से, और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर की जो है टेबल है जो आपकी बुक में बनी हुई है। तो बच्चों दोनों को अगर ध्यान से देखें तो बच्चों सेम आ रहा है। तो देखिए यहां पे लिखा है इज द ऑपरेशन दिस सेम एज द ऑपरेशन दिस डिफाइंड इन क्वेश्चन फोर एबो। तो बच्चों किताब में है इसलिए एबो लिखा है। तो बच्चों यस इट इज द सेम ऑपरेशन, ये बच्चों हमारा इसका आंसर हुआ। और बच्चों इसके साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर में क्या कह गया, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड दिस दिस इज This is commutative, is this is associative, find the identity of star in N and the which element of N are invertible for the operation star। ठीक है बच्चों, अब देखिए सब देखिए यहां पर बच्चों सबसे पहले आप स्टडी करिए कि जो हमारा सेट है वो है N, और ये बच्चों ये होता है सेट ऑफ, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, ये देखिए नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर बच्चों वन टू थ्री और इस तरीके से करके ये हमारा इनफाइनाइट तक जाता है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बच्चों इसमें से कोई दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं उनके बीच में जो है ऑपरेशन लगाते हैं तो बच्चों वो है हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये है बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों चलिए ऑपरेशन करते हैं फाइव और सेवन पे, पहला पार्ट सॉल्व होने जा रहा है। तो बच्चों फाइव सेवन का ऑपरेशन क्या हो रहा है, एलसीएम ऑफ फाइव एंड सेवन। तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 35, ये आंसर हो गया। बच्चों फिर हमारे पास 20 into 16, तो 20 into 16, तो देखिए बच्चों ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ बच्चों 20 और ये हुआ 16। तो बच्चों ये आ गया बच्चों, देखिए चार से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 5 4, और बच्चों 5 से करेंगे तो आएगा 1 4, और फिर करेंगे बच्चों तो आएगा 4 1 1। देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों इस तरीके से जो हमारा एलसीएम आ रहा है तो यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ जो है 20 and 16, तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 80। ठीक है, ये हमारा हो गया 80। तो बच्चों इसका पहला पार्ट बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों यहां पे ये कहा जा रहा है कि क्या ये कम्यूटेटिव है, ये पूछा गया है कि क्या ये कम्यूटेटिव, सेकंड पार्ट में है इसका, क्या ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव के लिए बच्चों क्या होगा,
कम्यूटेटिव के लिए होगा कि ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए, ऐसे आना चाहिए। ये बच्चों हमारा है सेकंड पार्ट इसका। अब बच्चों कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, तो बच्चों चलिए एक नंबर हमने लिया बच्चों 12 और दूसरा बच्चों हमने ले लिया इस तरीके से 11 ले लिया हमने इस तरीके से, मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू 11 लिया। अब बच्चों चलिए क्या हुआ, यहां पर हम निकालते हैं ए और बी का एलसीएम, तो एलसीएम आया एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो बच्चों एलसीएम ऑफ ठीक है 12 एंड 11 ये आएगा बच्चों। अब बच्चों 12 और 11 का एलसीएम होता है बच्चों वो होता है हमारा 132। तो बच्चों इस तरीके से ए स्टार बी ये हो गया। अब बच्चों हम निकालते हैं बी स्टार ए, तो बच्चों क्या होगा एलसीएम ऑफ 11 एंड 12 ये आएगा। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, इसको भी करेंगे तो ये आएगा 132। तो बच्चों देखिए ये और ये बराबर है, तो बच्चों ये हमारा कम्यूटेटिव है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है तो नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए क्या आता है हमारा। ठीक बच्चों, अब हमको प्रूफ करना है कि क्या ये थर्ड पार्ट में है, कि क्या ये एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है कि ए स्टार बी और स्टार सी इस तरीके से, तो बच्चों का ए स्टार बी और बच्चों इसके बाद स्टार सी आया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है हमारे पास, ए को बच्चों हम लेते हैं 2, बी को लेते हैं 4 और बच्चों सी को लेते हैं बच्चों 6। हमने ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया। और बच्चों यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो बच्चों ये हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने निकाला बी स्टार सी, तो बी है हमारा 4 और ये बच्चों है 4, बी है 4 और स्टार सी एक सी का है 6, ठीक है सी है 6 और ये है 4, तो 4 स्टार 6, तो क्या होगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। और बच्चों 6 और 4 का जो एलसीएम होता है वो बच्चों होता है हमारा 24। ठीक है कितना होता है 24, नहीं 24 नहीं होता 12 होता है, 12। ठीक है ये देखिए आ गया 12। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, तो बच्चों ए स्टार बी स्टार सी आया, तो ए की वैल्यू है 2 और बी स्टार सी आया है हमारा 12 इस तरीके से देखिए है बच्चों। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, ये आएगा हमारा एलसीएम ऑफ ठीक है 2 एंड 12 और वो बच्चों आएगा 12। तो देखिए हमारे पास ये आ गया इस तरीके से ए स्टार बी स्टार सी आया। अब बच्चों हम निकालते हैं ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, तो बच्चों हम निकालेंगे ए स्टार बी और ये आएगा बच्चों एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी हमारा क्या है 2 एंड 4। ठीक है बच्चों, तो ये हम कुछ इस तरीके से लिखें, ए स्टार बी हो गया बच्चों 2 स्टार 4 और ये हो गया एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। ठीक है, और 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा बच्चों हमारा 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये होता ए स्टार बी और स्टार सी, तो बच्चों यहां पे क्या होगा ए स्टार बी आया है 4 हमने लिख दिया ऐसे, और बच्चों ये हमारा इसके बाद स्टार लगेगा, सी क्या है 6 है, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये आएगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 और वो होता है बच्चों 12। ठीक है, तो जरा इसको और इसको देखिए, ये दोनों बराबर है, 12 के बराबर आ रहा है, तो बच्चों जब ये और ये ऑपरेशन बराबर होता है तो हमारा ये इक्वल हो गया, तो इसलिए ये बच्चों हमारा एसोसिएटिव है, इसको नोट कर लीजिए ये एसोसिएटिव है, ये बच्चों प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बच्चों आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब आइडेंटिटी क्या होता है, चलिए आइडेंटिटी देखते हैं। तो आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन थी वो थी ए स्टार ठीक है ई बराबर ए, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसका जो है हम उसके साथ लें तो वही आ जाए। ठीक है बच्चों इस तरीके से, तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए हमने लिया 99, तो 99 का अगर 1 के साथ हम बच्चों जो है निकाले स्टार, यानी 99 और एलसीएम लेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 99 एंड 1, तो बच्चों हमारा क्या आएगा वो आ जाएगा 99।
कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज कर यहाँ 87 ले लीजिए, 87 स्टार 1 यानी कि क्या हुआ एलसीएम ऑफ 87 एंड 1, तो बच्चों आ गया 87। तो बच्चों हमारा आइडेंटिटी क्या हुआ ऑपरेशन का, ठीक है, तो आइडेंटिटी ठीक है ऑफ स्टार ठीक है इन एन इज इक्वल टू होगा 1, ये बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों चलिए करते हैं इसका लास्ट सेक्शन, तो लास्ट सेक्शन में पूछा गया है कि विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टेबल फॉर ऑपरेशन दिस, ठीक है बच्चों, तो इनवर्टेबल क्या होता था, वो होता था बच्चों अगर ए के साथ बच्चों यहाँ पे बी लें तो हमारा बच्चों आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए हमारा क्या होगा, हम वन के साथ बच्चों इस तरीके से वन लेंगे तो बच्चों हमारे पास जो है वन आएगा, देखिए एलसीएम ऑफ वन एंड वन वो बच्चों आएगा वन, तो बच्चों हमारा जो है इन्वर्टिबल एलिमेंट हमारा क्या होगा वो बच्चों होगा वन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ, और बच्चों इसी के साथ ये वीडियो भी मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 14 तक बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।